हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी ने जो भी डिविडेंड रिकमेंड किया है, जो भी रिकॉर्डेड फिक्स किए हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, कंपनी ने जो डिविडेंड रिकमेंड किया है वो क्या है, ₹1.20 पर इक्विटी शेयर। कंपनी के शेयर का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है ₹199 के अराउंड। तो इस हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो बनता है 0.6% के अराउंड। ठीक है, अब देखते हैं कंपनी ने रिकॉर्डेड क्या फिक्स की है। देखिए फ्रेंड्स, कंपनी के जो बुक क्लोजर की डेट है वो है 16 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक। तो इस हिसाब से जो रिकॉर्डेड बनेगी वो बनेगी 15 सितंबर, एक्स्ट्रा डिविडेंड डेट बनेगी वो बनेगी 14 सितंबर, और जो लास्ट बाइंग डेट बनेगी वो बनेगी 13 सितंबर। अगर आप 13 सितंबर या उससे पहले शेयर को खरीदते हैं तभी यह शेयर 15 सितंबर तक आपके डीमैट अकाउंट में आ पाएगा, तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड लेने के लिए आपको यह शेयर 14 सितंबर या उसके बाद बेचना होगा। अगर आप 14 सितंबर को भी शेयर को बेचते हैं तब भी आपको डिविडेंड मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं डिविडेंड आपको पे कब होगा। देखिए फ्रेंड्स, कंपनी के जो एजीएम है, 67th AGM है, अगर कंपनी उसमें इस डिविडेंड को डिक्लेयर कर देती है तभी आपको डिविडेंड डिक्लेरेशन के बाद 30 डेज के अंदर अंदर आपको पे हो जाएगा। ठीक है, कंपनी की एजीएम की डेट अभी पता नहीं चली है, बट जब भी एजीएम होगी उसके 30 डेज के अंदर आपको डिविडेंड पे हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हमारी और ज्यादा वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ओके, बाय बाय।